कमला का पति एक मछुआरा था। वो मछली पकड़कर उसे बाजार में बेचा करता। एक साल से कमला के पति की तबीयत खराब चल रही है। गृहस्थी चलाने की वजह से जमा किए हुए पैसे भी एक साल में खत्म हो चुके थे। इसीलिए मजबूर होकर कमला ये फैसला लेती है कि अब उसे ही कोई काम ढूंढना पड़ेगा। एक दिन, अरे ओ कमला, तेरे पति की तबीयत कैसी है? पहले जैसी ही है मौसी। ओहो, तो गृहस्थी कैसे चल रही है? अब क्या बताऊं मौसी। मौसी, आप मेरे लिए कोई काम ढूंढ कर दो ना। तुम क्या काम करोगी बेटी? जैसा भी काम मिल जाए। माँ, बहुत भूख लगी है। जाओ बेटी, कटोरी में मुरमुरे रखे हैं, बतासे के साथ खा लो। जाओ। क्या हुआ, सर पर हाथ देकर नहीं बैठते नहीं पता तुझे? जानती नहीं हो क्या, ऐसा करने से गृहस्थी पर बुरा असर पड़ता है। चलो हाथ हटाओ सर से। क्या मौसी, बुरा होने के लिए और क्या ही बचा है बताओ। शर्मा जी अचार बेचते हैं, पता है ना तुम्हें? जानती हूँ। अरे तो उन्हें एक मददगार की जरूरत है। जा 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 जा, उनसे जाकर मिला। ओ अच्छा, मैं आज ही उनसे मिलने जाऊंगी मौसी। मैं चलती हूँ। मौसी ने तुम्हारे बारे में मुझसे बात की। देखो, मेरी अचार की बोतल बाहर से आती है, समझी? हाँ, उसमें लेबल लगाने का काम, उसकी पैकिंग का काम, ये सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। कर लोगी ना? कर लूंगी कर लूंगी। तो मैं कब से आ जाऊँ? कल से ही आ जाओ। अच्छा सुनो, ये लो, ये रहा तुम्हारा एडवांस। अच्छा अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, सुनो कल से ठीक 10 बजे सुबह काम पर आना, देर बिल्कुल मत करना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। कमला अब शर्मा जी के घर काम करने जाती है। इस काम को करने पर उसे जितने पैसे मिलते हैं उससे उसकी गृहस्थी ठीक ठाक चलने लगती है। एक दिन, अच्छा कमला, तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे खाना बनाना क्यों नहीं आएगा? दरअसल आज मेरा खाना बनाने वाला आदमी अभी तक नहीं आया, इसलिए अगर आज तुम जरा खाना बना देती तो मैं दोपहर में वो खाना खा लेता। मैं सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि बहुत सारे अचार बनाना भी जानती हूँ, आपके इस अचार से बहुत ही ज्यादा अच्छा। क्या बात कर रही है? तो फिर ठीक है, आज मुझे अचार भी बनाकर खिलाओ, मैं अभी तो जरा देखूं। अच्छा ठीक है। वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। ये लीजिए शर्मा जी, जरा चक्कर देखिए तो। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप सच बोल रहे हैं? सुनो, तुम्हें जब इतना स्वादिष्ट अचार बनाना आता है तो इस गुण को ऐसे बर्बाद मत होने दो। मैं सारा सामान तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, समझी? और तुम कल से ही अचार बनाओगी और हम लोग वो अचार बेचेंगे और उसका नाम रहेगा कमला अचार, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है। कमला, अचार तैयार है? हाँ, आइए आइए, ये लीजिए लीजिए। मुझे 2 कमला अचार दे दीजिए और मुझे 3 दे दीजिए। अरे अचार तो नहीं है भाई, खत्म हो गया है, आप लोग कल सुबह आइएगा। तो फिर आप ये एडवांस रख लीजिए। ये रहा सामान और ये लो पैसा। अच्छा सुनो, कल मुझे 100 अचार की बोतल चाहिए, ठीक है? 100 बोतल? अच्छा अच्छा, अब समझे, अब मुनाफा जरा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? इस आम के साथ उसमें थोड़ा पपीता मिला दूंगी। लेकिन ऐसा करने पर तो आम का अचार स्वादिष्ट नहीं बनेगा। तो क्या हो गया, बाजार में मेरे अचार की इतनी ज्यादा डिमांड है ना कि सारे अचार ऐसे ही बिक जाएंगे और काफी मुनाफा भी होगा, समझे? लेकिन आप ये लेकिन वेकिन मत कीजिए, ये गृहस्थी मुझे चलानी पड़ती है, समझे? बेटी बड़ी हो रही है,
उसके अलावा मेरे भी तो कुछ शौक अरमान है कि नहीं। कुछ पैसे जमा होने के बाद मैं घर की मरम्मत करवाऊंगी, गहने बनवाऊंगी। मैंने कितने समय से ये सोच रखा है। जैसा ठीक लगे वैसा ही करो, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा पैसे कमाने के लालच में, लोगों को ठगने के चक्कर में कहीं खुद ही ठगा मत जाना। फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। कमला ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अचार में कई तरह की अन्य सामग्री मिलाने लगती है और इसका प्रभाव बाजार पर भी पड़ता है। ये क्या भैया, आम के अचार के बदले आपने ये क्या दे दिया? बहुत ही खराब है, कोई टेस्ट ही नहीं है इसमें। छी 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 छी, स्वादिष्ट अचार सोचा था इसलिए बहुत ज्यादा खरीद लिया, लेकिन ये अचार बहुत ही बेकार है। दो दिनों से एक भी बोतल नहीं बिकी है, तो क्या कमला सच में अचार में मिलावट कर रही है? हाय 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 हाय, अब क्या होगा, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नहीं कमला, अब कोई भी तुम्हारा अचार नहीं खरीदता। लोगों ने अचार की ढेर सारी बोतल दुकान में आकर लौटा दी। देखो मेरा जितना नुकसान होना था हो चुका, मैं अब और नुकसान नहीं उठा पाऊंगा। मुझसे गलती हो गई मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर अचार में अन्य सामग्री मिलाना शुरू कर दिया था, इसीलिए। इसी वजह से बाजार में कोई भी तुम्हारा अचार नहीं खरीद रहा है। गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी, दोबारा कभी नहीं होगी। अब मुझे माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए। देखो कमला, ग्राहक हमारे लिए सब कुछ है और तुमने उन्हें निराश किया है, अब उन्हें वापस अपने पास बुलाना संभव नहीं है। मालिक मालिक, आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए ना, वरना मैं अपने पति और बेटी के साथ खाए बिना ही मर जाऊंगी। ठीक है, इंसानों से ही गलती होती है। देखो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, पर इसे क्या फायदा होगा पता नहीं। ठीक है, तुम अचार की 10 बोतल बनाकर तैयार रखो, समझी, और साथ में थोड़े सैंपल दे देना, मैं घर आकर ले लूंगा। अब तुम जाओ। फ्री 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 में अचार खाइए और अच्छा लगे तो खरीद कर घर ले जाइए। फ्री 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 फ्री। पहले कमला अचार खाने में स्वादिष्ट लगता था, अब जरा चख के देखता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसका स्वाद तो बिल्कुल पहले की तरह ही है। लाइए दीजिए दीजिए, मुझे एक बोतल दे दीजिए, खाकर देखता हूँ, अच्छा लगा तो और ऑर्डर कर दूंगा। दीजिए। बढ़िया है, दीजिए दीजिए और एक दे दीजिए। इसी तरह कमला अचार फिर से लोकप्रिय हो जाता है और सभी उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। ये देखो कमला, तुमने अचार की जो 10 बोतल दी थी वो सभी बिक गई और ये रहे उसके पैसे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ग्राहक हमारे लिए सब कुछ है, अगर इस बार तुमने उन्हें ठगने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं 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 मालिक, नहीं, मैंने सारे पुराने अचार फेंक दिए हैं। पैसों की लालच में आकर मैंने जो गलती की थी उसकी सजा मुझे मिल चुकी है, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठीक है, तो फिर कल अचार की 50 बोतल बनाकर तैयार रखना। रखूंगी मालिक, रखूंगी।